हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स ऑफ गर्ल्स। मैं हूँ स्वाति। आज मैं बना रही हूँ ये डालगोना कॉफ़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से। इससे आप कैपुचिनो भी बना सकते हैं बिना किसी मशीन के, बिना किसी ब्लेंडर के। तो चलिए देखते हैं वीडियो। डालगोना कॉफ़ी के लिए ये मैंने लिया है 2 चम्मच शुगर, ये नेस्कैफे वाला कॉफ़ी, और ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, तो बहुत ज़्यादा है उसमें, तो हम 1 से 2 चम्मच ही डालेंगे। मैंने ये 2 चम्मच चीनी में 2 चम्मच कॉफ़ी को मिक्स किया है, बिना किसी मशीन के बना रही हूँ मैं इसको। पानी सिर्फ उतना कि ये इसमें बस एब्जॉर्ब हो जाए। ज़्यादा पानी अगर हम स्टार्टिंग में ही डाल देंगे तो फिर ये हमारी फेंटने में बहुत दिक्कत होगी। बस इतना पानी, अब इसको आपको कंटिन्यू फेंटना है। मैंने अभी इसको केवल 2 मिनट फेंटा है, और आप देख सकते हैं इसी तरीके से कंटिन्यू फेंटेंगे। 5 मिनट फेंटने के बाद ये अभी हम इसको और फेंटेंगे, जब तक ये पूरा कटोरा ऊपर तक भर ना जाए और एकदम से फ्लफी ना हो जाए तब तक। तो इस तरीके से मैं इसको फेंट रही हूँ। अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है, तो मैं इसमें 1 चम्मच पानी फिर से डालूंगी। और इसको कंटिन्यू फेंटेंगे। ये हमारा लगभग तैयार होने वाला है। आप इसको मिक्सी में भी बना सकते हैं। हमारा डालगोना बैटर रेडी हो गया है। अब हम मिल्क को गर्म करेंगे और फिर कॉफ़ी बनाएंगे। तो मैंने मिल्क को गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ये गर्म होता है हम अपनी कॉफ़ी बना लेंगे। तो मैंने इसको 2-3 मिनट और फेंटा, और ये देखिए पूरा बाउल कैसे भर गया है, और ये एकदम क्रीमी सॉफ्ट सा बन गया है। तो अब चलिए बनाते हैं कॉफ़ी। दूध उबल गया है, तो मैंने इस तरीके से दूध कप में डाला हुआ है। अब मैं इसमें कॉफ़ी ऐड करूंगी। तो ये लीजिए हमारी डालगोना कॉफ़ी बन गई है। इसी तरीके से हम सारे कप में और ग्लास में डाल लेंगे। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म डालगोना कॉफ़ी। इसको थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। सो गार्निश विद सम चॉकलेट पाउडर। तो आई होप गाइस कि आपको ये सिंपल सी डालगोना कॉफ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।